हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का जो वीडियो है अगेन पार्ट टू मैं लेकर आई हूँ मीशो रैंडम फाइंड्स। जैसे कि मैंने आपको पार्ट वन में बताया था कि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो पार्ट टू में बाकी के प्रोडक्ट्स शेयर करूंगी। तो होम डेकोर के साथ साथ और भी यूजफुल आइटम्स हैं, तो एंड तक बने रहना। और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना और लाइक कर देना। वीडियो पसंद आता है तो शेयर भी जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। चलिए फर्स्ट प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत 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 ही ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट है। और गाइज, इतना काम की चीज है ना, मस्ट हैव मैं इसको बोलूंगी। ये नोवा का मैंने लिंट रिमूवर मंगवाया है। ये बहुत ही अच्छा सा लिंट रिमूवर है, ठीक है। अगर आपके स्वेटर में या किसी भी फैब्रिक में आपका वो बबलिंग हो जाती है ना फैब्रिक में, वो रुआ जो उठ जाता है, तो आप इससे बहुत ही आसानी से उसे हटा सकते हैं, ठीक है। ये मशीन है, इसको आप प्लग इन करेंगे, यहाँ से ये हटाएंगे, ठीक है। ये ब्लेड्स होते हैं इसके अंदर बेसिकली, तो ये उसको निकाल देता है। यहाँ पर है एक जो भी कलेक्ट होता है ना, वो यहाँ पर कलेक्ट होगा और आप इसको रिमूव करके ना मैं साइड में लगा दूंगी, ठीक है। इसमें कलेक्ट हो जाता है और आप इसको इजीली उसको फेंक सकते हैं, ठीक है। अपना इस टाइप का एक ब्रश भी आता है जो कि आप क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस, हाईली रिकमेंड करूंगी इसके बारे में आज सबको। नेक्स्ट दिखाती हूँ गाइस, नेक्स्ट है होम डेकोर का इस तरीके की पैकेजिंग में आया है। बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है ये और इतना प्यारा है ना, इसे भी मैं आपको मस्ट हैव बोलूंगी, क्योंकि ये अदर वेबसाइट पर आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव आपको मिल रहा है, बट यहाँ पर आपको मिल रहा है बहुत 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 ही ज्यादा अच्छे प्राइस पर। इस तरीके से मेटल में है, ये सेट ऑफ थ्री उल्ली है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दिवाली वगैरह पर होते हैं, बट जरूरी है दिवाली पर आप अपनी हाउस वार्मिंग उसमें आप बाहर मेन गेट पे डेकोरेट कर सकते हैं, कोई भी नवरात्रि वगैरह में। इस तरीके से ये तीन बाउल्स हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको एक निकाल के दिखा देती हूँ। सी, आप देख रहे हैं एक एक चीज ना इन्होंने अलग अलग पैक करके दिया हुई है। इस तरीके से स्टिक है, ये मेटल में है, गोल्ड कलर में है, एंड यहाँ पर आप इसको प्लेस करेंगे, ठीक है। एंड इसका स्टैंड भी है, ठीक है, ये है इसके स्टैंड। तो सेट ऑफ थ्री है, साइजेस अलग अलग हैं, बाकी पिक्चर में आप देख ही रहे होंगे, मैंने लगाकर दिखाया। इसके अंदर आप पानी डालकर ना आप पेटल्स डाल सकते हैं, रोज के या कोई भी मैरी गोल्ड के पेटल्स आप डाल सकते हैं, और कुछ भी डेकोर करना चाहें आप इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। टी लाइट आप इसके अंदर लगा सकते हैं। सी, ये बहुत आसानी से असेंबल हो गया, तो इस तरीके से है। सी, क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, बहुत अच्छी है। अंदर इस तरीके से सेट ऑफ थ्री है, इसमें भी बहुत ही सुंदर सी, बहुत सुंदर इसलिए बोलूँ क्योंकि सारे बहुत अच्छे अच्छे पीस हैं। ये इस तरीके से अगेन उर्ली की है, बट इसमें स्टैंड वगैरह नहीं है। ये मैंने सेट ऑफ टू मंगवाई थी दिवाली के टाइम पर, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करना बनता है। घर को डेकोर करने में जरूरी है दिवाली पे ही डेकोर करें, सेंटर टेबल पे आप रख सकते हैं। इस तरीके से है डिजाइन, आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसमें लोटस का डिजाइन बना हुआ है, ठीक है। इस तरीके से डिजाइन भी है, पानी डालकर फ्लावर्स डाल सकते हैं, घर में कोई फंक्शन हो, ओकेजन हो, ऐसा सेंटर टेबल पे रख सकते हैं, डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं। बहुत अच्छा है। एक बहुत छोटी सी चीज जो कि बहुत काम की है, ये मैंने क्लिप्स मंगवाई है। एक्चुअली बहुत सारे पेपर्स ऐसे होते हैं जो बिखरे रहते हैं, तो उनको अच्छे से बाइंड करने के लिए इस तरीके की क्लिप्स होती हैं। ये एक्चुअली मैंने ना अपनी बेबी के काम के उससे मंगवाई है, स्कूल के जो बहुत सारे पेपर्स जो अलग अलग बिखरे रहते हैं, तो उसको अच्छे से आप क्लिप इन कर दो और उठाकर रख सकते हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी है, मल्टी कलर में, बच्चों को ना कलरफुल चीज़ें अच्छी लगती हैं, इस तरीके के बॉक्स पैकेजिंग में है, तो आप इसको ले सकते हैं। 200 क्लिप्स हैं, यू क्लिप्स इनको बोलते हैं, ठीक है, और 28 mm का है, कोटेड है सारे। बहुत मैं दिखाती हूँ जो बहुत यूजफुल है, ये सेट ऑफ फोर मैंने मंगवाए थे, एक मैंने लगाया हुआ है। इसे आप अपने किचन में भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो कॉम वगैरह रखना चाहें या बेड के साइड में लगा सकते हैं रिमोट वगैरह हैंग करने के लिए। इसके अंदर रिमोट वगैरह कुछ रख सकते हैं, बेबी के अलमीरा में लगा सकते हैं, उसके अंदर पेंसिल वगैरह आप रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इसको हैंग भी कर सकते हैं, किचन में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर डबल साइड टेप है, तो आप इसको पेस्ट कर सकते हैं वॉल पर या टाइल पर। तो इस तरीके की है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। फ़ोन चार्ज करना हो तो नीचे इसका आप लीड लगाकर फ़ोन रख सकते हैं, तो मल्टीपल वे में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कलर ऑप्शन जिसमें आप देख सकते हैं, रेड है, ग्रे है और ब्लू है, एक और कलर है आई थिंक पर्पल, वो मैं यहाँ लगा। नेक्स्ट भी कुछ ना इसी तरीके का आइटम है गाइस, ये मैंने तीन लगा रखे हैं, बट एक मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरीके से है, इसको भी आप डबल साइडेड टेप है और इसको पेस्ट करेंगे, तो किचन में बहुत सारे ऐसे हैंकी वगैरह होते हैं ना, जिनको आप मिलते नहीं है वो टाइम पर ना एक्चुअली, तो आप इसमें लगा कर ऐसे रख सकते हैं। मैं साइड में लगा दूंगी जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो ये अच्छे से अंदर हो जाता है, ठीक है, तो ये भी बहुत काम की चीज़ है। छोटे छोटे आइटम्स हैं जो कि ना बहुत हेल्प करती हैं, इस तरीके की चीज़ें ना।
अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं तो और ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये फ्रिज कवर, जो अगेन मैंने मंगवाया है, मैंने 3 साल पहले मंगवाया था तो वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो अब मैंने दोबारा मंगवाया है। ग्रे कलर का फ्रिज है एक्चुअली मेरा, तो ग्रे कलर का ही मैंने ये मंगवाया है। वैसे भी कलर ऐसा है कि सबके साथ ही जाता है। क्वालिटी आप देख सकते हैं, साइड में इस तरीके से पॉकेट्स भी दी हुई है, 3-3, ठीक है, दोनों साइड हैं। और ये है कलर बहुत प्यारा सा स्टील ग्रे, ठीक है। बैग से कुछ इस तरीके से, इजी टू वॉश है, ठीक है, तो आप इसे प्लेस कर सकते हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी है जिस हिसाब से प्राइस है ना। नेक्स्ट एक छोटी सी चीज़ है, इस तरीके के बॉक्स पैकेजिंग में है। गाइस मीशो पर ना इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें ना काफ़ी यूजफुल मिल जाती हैं, और यू नो यूजफुल होती हैं और काफ़ी अफोर्डेबल होती हैं। इसमें ना इस तरीके के छोटे छोटे मिरर्स हैं, अलग अलग शेप के, डायमंड कट में, और ये छोटा सा ड्रॉप शेप में है, लीफ शेप में है, इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं कितने सारे हैं, अलग अलग, ज़्यादा क्वांटिटी भी है, और ठीक है इस तरीके से है, अलग अलग शेप में है, तो आप देख सकते हैं। एक्चुअली ना मुझे DIY का बहुत शौक है, मैं करती हूँ, और बच्चों के स्कूल में भी बहुत सारे ऐसे क्राफ्ट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं ऐसी चीज़ें। तो गाइज ये इस तरीके के आइटम्स ना घर में होने चाहिए, जो एंड मोमेंट पर ना यू नो हमें मिलते नहीं है, तो होने चाहिए एंड मोमेंट पे। कभी कभार ऐसा होता है ना कि शॉप पर लेने भागो और यू नो मिलती भी नहीं है, तो ये आपको घर बैठे इतना अफोर्डेबल मिल रहा है, मीशो दे रहा है। तो गाइस ये एक बहुत ही अच्छा सा शेल्फ स्टोरेज मैं इसको बोलूंगी, ठीक है। इसे आप वॉशरूम में लगा सकते हैं। आई थिंक मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये मैंने दोबारा इसलिए मंगवाया है क्योंकि वॉशरूम में उसे मैंने लगाया था, मैं इसको किचन में लगाने वाली हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से है, यहाँ पर दो आपको क्लिप्स दी होती हैं जो पेस्ट हो जाती हैं, इसमें आप इसको लगा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसके बारे में आई थिंक सबको पता ही होगा, ये सेट ऑफ टू थे तो मैंने लगा दिया है दूसरा वाला। ये सोप होल्डर है, ये आप अपने वॉशरूम में भी लगा सकते हैं, इसके साथ भी क्लिप्स वगैरह सब आती हैं। व्हाइट कलर में है, व्हाइट अच्छा लगता है, बहुत स्टर्डी है गाइस, ट्रस्ट मी। ये अभी तक नहीं आइटम है, बहुत ही अच्छा सा, अगेन ये भी यूजफुल प्रोडक्ट है, एंड ये यू नो मल्टीपल वे में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक्चुअली मैंने आपके साथ शेयर किया था, एक और मंगवाया है मैंने, एक और शेयर कर चुकी हूँ मैं। ये है, चलिए पहले ओपन कर लेते हैं फिर दिखाते हैं क्या है इसके अंदर। इसके अंदर है केक स्टैंड, पैकेजिंग आप देख ही चुके हैं कि कैसा आया है। गाइज ये ना मैंने मंगवाया तो यही सोच के था कि यू नो केक के लिए ही केक स्टैंड। पहले क्वालिटी देखिए आप इसकी कितनी अच्छी है, वाइट कलर में है, इसमें एक और ब्लैक कलर भी है, और ये है इसका बेस, ठीक है। वाओ, मेटल में है, गोल्ड कलर में, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा ये ऐसे आएगा, प्लेट यहाँ आएगी, इसकी जो ट्रे है यहाँ पर आप केक रख सकते हैं। और मैंने इससे पहले जो आपको दिखाया था ना एज अ होम डेकोर दिखाया था कि आप इसके ऊपर कोई प्लांट वगैरह रख सकते हैं, प्लांटर रख सकते हैं, तो आप इसको एज ए प्लांटर होल्डर भी रख सकते हैं, ठीक है, या आप ऐसे भी रख सकते हैं इसको, इसके अंदर आप रख सकते हैं प्लांटर, ठीक है। सी आप देख रहे हैं कितने तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं मल्टीपल वे में, है ना। तो हाईली रिकमेंड करूंगी, क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है गाइज। अभी तक नहीं लिया है, जो लास्ट प्रोडक्ट है गाइज ये है ब्रश होल्डर, आप इसे बोल लीजिए, या इसे भी आप मल्टीपल वे में यूज कर सकते हैं। इस तरीके से टेडी बियर वाला स्टिकर है, इसमें आप इसको क्लिपिंग करेंगे। मैंने इसे अपने वॉशरूम में लगाया हुआ है, ठीक है, इसमें मैंने ब्रशेज वगैरह रखे हुए हैं, ठीक है, तो ये इस तरीके से लग जाएगा गाइज। बेबी का कुछ आइटम रखना हो ना, और ज़रूरी नहीं है वॉशरूम में यूज़ करें, आप अपना बेबी का कोई पेंसिल वगैरह भी रख सकते हैं, अलमीरा में इसको पेस्ट कर सकते हैं। और क्वालिटी बहुत अच्छी है, सेट ऑफ टू मुझे रिसीव हुए थे, ठीक है, एक लगा दिया, एक मैंने आपको दिखाने के लिए रखा हुआ है। सो गाइज ये था आज का वीडियो, आई होप वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और भी वीडियोज लेकर आ रही हूँ इसलिए बोल रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना, ठीक है। जल्दी मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।